तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, केप्टन हॉरिजेंटल फ्लोर, अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू प्रेजेंट है, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.09 है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर, ध्यान रखना हॉरिजेंटल है बेटा, ठीक ना। हॉरिजेंटल फोर्स का क्या मतलब होता है बच्चों, तो ये इसीलिए मैं 3D व्यू बनाया हूँ। तो बच्चों मैं बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, मतलब मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, और इसके लिए यार अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर किया करो। तो 4 न्यूटन इधर लगा और इधर लगा 3 न्यूटन, ठीक ना, ये हॉरिजेंटल फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट भी तो हॉरिजेंटल होगा भाई, तो रिजल्टेंट हॉरिजेंटल आएगा कुछ ऐसे, उतना ये रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा, तो वो एफ कितना होगा, वो रिजल्टेंट एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना आता है रिजल्टेंट एफ। तो उस एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एफ वैल्यू 5 न्यूटन एक्सटर्नल हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन एक्सटर्नल हॉरिजेंटल, इसके अलावा इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगी, तो दो, एक नॉर्मल एक mg, दो और एक फ्रिक्शन, 3 और 2 5 फोर्स लग गए इस पे, तो नॉ इसके mg नीचे लगेगी, मास 5 kg है, जी मैं यहाँ पे 10 नहीं लेता हूँ क्योंकि दिया 10 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिया हुआ, तो 50 न्यूटन तो mg लग गई। तो फ्रिक्शन जो है, अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन μn है 0.09, और यहाँ से नॉर्मल mg दैट इज जो 0.09, और मास 5 और g की वैल्यू 10, तो यह जाएगा 0.9 और ये 5, और 9 × 5 = 45, ठीक है, 4.9 न्यूटन यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन आ जाएगा, तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन यहाँ 4.5 न्यूटन अवेलेबल है। तो अगर ये 4.5 न्यूटन अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो चलो, तो एक बार मैं 2D व्यू बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को 3D व्यू ऐसे दिखा दिया हूँ। देखो 3 न्यूटन इधर लग रहा है और ये 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो ये 5 न्यूटन इधर आ जाएगा, तो अब जो फ्रिक्शन है इस 5 न्यूटन के ऑपोजिट इधर आएगा। अब फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, 4.9 आपने लगाया यार 5 न्यूटन, तो अब ये ब्लॉक क्या करेगा, अब आगे एक्सलेट करेगा, बचे हुए फोर्स से आगे इस डायरेक्शन में ए एक्सलेशन जनरेट हो जाएगा, और वर्टिकल में तो नॉर्मल और mg तो लग ही रहे हैं, वो तो इफेक्ट ही नहीं होंगे इसके मोशन से, तो फ्रिक्शन अभी की काइनेटिक लगेगा और उसकी वैल्यू 4.5 है ये, और ये 5 पॉइंट इस पे है, तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो है वो 4.5 न्यूटन का फ्रिक्शन इधर लगेगा और इधर लगेगा 5 न्यूटन का ये वाला। अब ये ब्लॉक इधर को डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, इधर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक ना, तो कितने से स्लाइड करेगा वही तो हमें निकालना, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन अगर तुम देखोगे यहाँ, तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो अगर नेट फोर्स अगर देखोगे, ठीक है ना, नेट फोर्स अगर देखोगे तो 5 कितना लग रहा है, 5 माइनस, एक बार ऐसे लिख लो, एफ माइनस फ्रिक्शन वॉट एवर जो भी लग रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक 5 न्यूटन माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 5, तो यह आ जाएगा 4.5 और डिवाइडेड बाई 5, मतलब यह 0.1 m/s² से एक्सलेट होगा ब्लॉक। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, और ये आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। तो आप अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। तो 0.01 होगा।